Hello, friends. वेलकम बैक टू माई चैनल स्पीचर लव टेर कैसे हैं आप लोग आई होप खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे हैप्पी होंगे डियर आज का टॉपिक है आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है प्लीज यूनिवर्स गाइड करें और बताए की मेरे वीवर जो है उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है उनको लेकर वो क्या फील करते हैं क्या इमोशंस है क्या वो उनको कमिटमेंट देना चाहते हैं क्या उनके दिल में चल रहा है ओके तो चलिए देखते हैं कि क्या उनके दिल में चल रहा है प्लीज यूनिवर्स गाइड करें डियर यहां पर सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है वाओ wow, क्या बात है काफी लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से कोई तो कम्युनिकेशन आपके साथ होती हुई दिख रही है और डियर यहाँ पर किसी बात को लेकर कोई आ, ऐसी सिचुएशन बन गई थी जहां पर नो no कांटेक्ट हो गया था तो अब आपके पार्टनर जो है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे वो आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं वो आपको कोई आ, टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं या फिर हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर का कोई कॉल या मैसेज आया है देखिए वो पार्टनर जो है आपको ऑफर देना चाहते हैं किसी तरह का ऑफर जरूर यहाँ पर मिलने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से बहुत जल्द आपको ये गुड न्यूज मिलने वाली है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको ऑफर देने वाले हैं और अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या ऐसा कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया था तो अभी आपके पार्टनर उन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है कहीं ना कहीं उनसे कुछ गलतियां हुई है डियर बहुत ज्यादा एनर्जी मुझे दिख रही है फायर एनर्जी है आपके पार्टनर की आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं वापस से ये सारी सिचुएशन को सही करना चाहते हैं और डियर जिस तरह से ये आपकी जिंदगी से चले गए थे आपका साथ छोड़ दिया था इन्होंने कहीं ना कहीं मूव ऑन करके ये पार्टनर जो है आपकी जिंदगी से जा चुके थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में चल रही है ये चाहते हैं हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई फाइनेंशियली इश्यू रहा है फैमिली की वजह से या किसी तरह का कोई इश्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई टावर मूवेंट आपकी जिंदगी में आया था और डियर ये टावर मूवेंट की वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज्यादा ईगो हो गया था और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं फाइट कर रहे थे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और डियर यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है एक ऐसी वाइब्स दिखाई दे रही है कि ये पार्टनर जो है एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते है और डियर इस न्यू बिगनिंग के साथ साथ ये आपको कोई कमिटमेंट कोई ऑफर देना चाहते है शादी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज ये आपको देना चाहते है आपको बताना चाहते है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं ये अपने घर वालों से बात कर रहे हैं आपके लिए और डियर यहाँ पर ये पार्टनर अगर स्टैंड नहीं लेते थे ये पार्टनर अगर पीछे हटते थे तो मैं आपको बता दू ये पार्टनर बहुत जल्द रिस्क लेना चाहेंगे ये पार्टनर जो है कोई कमिटमेंट कोई आ, क्लियरिटी आपको देंगे और ये देखिए यहां पर अगर इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी पावर की कमी थी तो अभी आपके पार्टनर जो है अपने अंदर स्ट्रेंथ पावर को इकट्ठा कर, कर रहे हैं एक ऐसी स्ट्रेंथ और एक ऐसी पावर को इकट्ठा कर रहे हैं जिससे ये आपके लिए स्टैंड ले सके ये आपको कहीं ना कहीं जवाब दे सके बहुत टाइम हो गया बहुत वेट करा लिया आपके पार्टनर ने बहुत इंतजार कराया कहीं ना कहीं और अब ये अपने आप को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि इनको आपकी तरफ कोई कमिटमेंट देना चाहिए इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया है टू ऑफ कप्स की एनर्जी है ये पार्टनर आपके सोलमेट हो सकते हैं ये पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं तो यहाँ पर आप दोनों कोई ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं ट्विन फ्लेम या सोलमेट डियर ये पार्टनर अगेन वही एनर्जी आई है एस ऑफ वॉन्ट एंड एस ऑफ कब्स की एनर्जी इमोशनली आपके लिए बहुत कुछ फील कर रहे हैं इमोशनली इनके इमोशंस जो हैं इनकी जो लव वाइब्रेशन है वो बहुत हाई हो रही है और ये ये आपसे बात करना चाहते हैं आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया था तो वो वाली एनर्जी दिख रही है चलिए हम अदर टेक्स से देखते हैं कि क्या निकल के आता है आपके पार्टनर की एनर्जीज तो दिख रही है क्या इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या होने वाला है प्लीज यूनिवर्स बताएं कि मेरे वर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है ओके okay डियर तो यहाँ पर जो कार्ड दिख रहा है वो बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है किसी तरह की प्लानिंग किसी तरह की करते हुए दिख रहे हैं हो सकता है ये आपको मैसेज करे किसी तरह से कोई कांटेक्ट कर सकते हैं आपको मैसेज या किसी किसी भी तरह से आपसे कांटेक्ट करने की हंड्रेड परसेंट कोशिश करेंगे क्योंकि इनको आपसे बात करनी है देखिये यहाँ पर भी एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आई है वही एनर्जी यहाँ पर भी आई थी ये पार्टनर हंड्रेड आपको कॉल मैसेज करेंगे आपसे बात करेंगे और डियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर का एक्शन धमाकेदार होने वाला है आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं ट्रेवल करके आपकी तरफ आते दिख रहे हैं यहाँ पर ये यह एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आपके लिए एक्शन ले और मुझे यहाँ पर ये यह दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना कार्मिक रिलेशन जो है हो सकता है कि इनकी जिंदगी में कुछ ऐसे रिलेशन बन गए हैं कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हो गए थे जो कार्मिक साइकिल था ना उसमें चेंज आ रहा है वो कार्मिक साइकिल का एंड हो रहा है और आपके पार्टनर जो है उस कार्मिक साइकिल से निकल रहे हैं चलिए और देखते हैं कार्ड क्या बता रहे हैं यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है आपके पार्टनर एक चेंज के बाद यानी ये पार्टनर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की थिंकिंग बता रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ में फैमिली देख रहे हैं आपके साथ में एक परिवार देख रहे हैं एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं कहीं ना कहीं पर वो आपसे पहले कॉन्टेक्ट करेंगे वो आपसे पहले कोई कमिटमेंट या कोई कांटेक्ट करके किसी तरह की बात अपने विचार आपके सामने रखेंगे और पूरी क्लियरिटी के साथ में ये आपसे बात करना चाहते हैं तब ये आपको अपना एक्शन बताएंगे कि ये क्या एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए लेने वाले हैं क्या एक्शन इन्होंने डिसाइड किया है इस रिलेशनशिप को लेकर और ये मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये सारे कार्मिक रिलेशन जो भी आपके पार्टनर की जिंदगी में है जिसके कारण आपके पार्टनर आपकी जिंदगी में स्टैंड नहीं ले पाते थे आना जाना करा करते थे तो ये साइकिल से निकलेंगे और डियर यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है आपके पार्टनर एक सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आपके पार्टनर की जिंदगी में सेलिब्रेशन हो और वो सेलिब्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में चाहते हैं तो आपकी तरफ एक्शन तो बहुत अच्छा दिख रहा है और डियर यहाँ पर आपके पार्टनर की जो थिंकिंग नजर आ रही है मुझे बहुत पजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर बहुत सोचा जा रहा है बहुत समझा जा रहा है आपको लेकर आपकी बातें इनको बहुत याद आती है और इस रिश्ते को लेकर ये पार्टनर बैलेंस बनाना चाहते हैं हर तरह से ये इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं हो गया बहुत ज्यादा टाइम इन्होंने कहीं ना कहीं लगा दिया अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा हाइट करा है बॉटम की एनर्जी से दिख रहे हैं इमोशंस और डियर ये पास्ट की बातें भी बहुत याद कर रहे हैं इनको वो बातें याद आ रही है जो आप दोनों ने कुछ ऐसे पल बिताए थे कुछ ऐसी चीजें साथ में बिताई थी वो सारी चीजें आपके पार्टनर को याद आ रही है ये पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं इमोशनली तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेचैन दिख रहे हैं बहुत ही ज्यादा एक्शन लेना चाहते हैं और डियर ये किसी तरह से कांटेक्ट करेंगे अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट था कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे और डियर इमोशंस जो है इनके जो फीलिंग्स है वो भी ये शेयर करेंगे कि इनके दिल में क्या इमोशंस है क्या फीलिंग्स है ये क्या फील करते हैं और कमिटमेंट देंगे डियर हंड्रेड परसेंट पर कमिटमेंट देने वाली एनर्जी है अपने डिसीजन खुद लेंगे अगर ये पार्टनर किसी के कहने से चलते थे या फिर यू समझ लीजिए ये अपने डिसीजन नहीं ले पाते थे दूसरों पर डिपेंड थे तो मुझे यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर जो है अपने डिसीजन खुद लेंगे और आपके साथ में जस्टिस करेंगे आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने इमोशंस अपना प्यार सब कुछ आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको अपना लव आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे बहुत फायर एनर्जी है आपको लेकर ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपको लेकर इनके दिल में दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है डियर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत दूरियां आ गई है आप दोनों का रिश्ता जो था बहुत अच्छा था यानी यू समझ लीजिए कुछ टाइम ही हुआ है कि आपके रिश्ते में या फिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ने आपको प्रपोज किया था आपके पीछे बहुत मेहनत करी थी और जब आप इन्हें मिल गए हो तो ये पार्टनर आप पर ध्यान नहीं दे रहा है आप पर उतना फोकस नहीं रख रहा है पहले ये पार्टनर आपको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते थे लेकिन अभी यहां पर ये यह एनर्जी दिख रही है कि ये पार्टनर आजकल आपसे बहुत दूरियां बना रहे हैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं आप में बार बार कमियां निकाल रहे हैं या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं ऐसी एनर्जी आ रही है देखिए हर बात हर किसी से रेजोनेट तो नहीं करेगी पर डियर यहाँ पर ये यह एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए उनकी जो एनर्जीज है आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स है वो इस बात को बता रही है कि एक जो चेंज है जो आप काफी टाइम से अपने पार्टनर के अंदर देखना चाहते थे आप एक बदलाव चाहते थे वो यहाँ पर होता दिख रहा है और आपके पार्टनर अपने विचारों को अपने थॉट्स को चेंज करते हुए दिख रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बदल रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आप ही हो जो इन्हें बदल सकते हो आप ही हो जो को सच्चा प्यार दे सकते हो तो यहाँ पर ये शादी से रिलेटेड कोई कमिटमेंट कोई चीज ये आपको बता सकते हैं और डियर इनका एक्शन ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अब आपकी तरफ सेलिब्रेशन को लेके आना चाहते हैं ट्रेवल करके बाहर ले जाने वाली एनर्जी भी दिख रही है आपके पार्टनर आपको कहीं बाहर टूर पे ले जा सकते हैं कहीं कोई एंजॉय करने के लिए ले जा सकते हैं या फिर कोई सेलिब्रेशन में ले जा सकते हैं जहां आप दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं बहुत ज्यादा घूमने फिरने वाले हैं पर डियर मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा रोका टोकी करता है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हो सकता है कि आपके पार्टनर के जो आ, फैमिली से है वहां से बहुत ज्यादा रोका टोकी होती है बाहर ना जाए ये ना करें या आ, यानी कुछ ना कुछ होता है ना कि जैसे समाज क्या कहेगा दुनिया क्या कहेगी वो वाली बातें यहाँ पर दिखाई दे रही है और आप लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं यहाँ पर फैमिली के चक्कर से कुछ लोगों के लिए ही ये बात दिखाई दे रही है और कुछ लोगों के बीच में तो ऐसा लग रहा है कि फैमिली के चलते आप लोग कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाते हैं हो सकता है जब भी आप कोई बात करना चाहते हैं तो कोई ना कोई मेम्बर्स या कोई ना कोई आ जाता है जिसके कारण आप अपनी बातें जो है अपने पार्टनर के दिल तक नहीं पहुंचा पाते और ना ही आपका पार्टनर अपनी बातें आपके दिल पहुंचा पाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में चल रही है टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ में स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं दूरियां दिख रही है यूं दिखाई दे रहा है कि बस आप दोनों दूर हो चुके हैं तो डियर यहाँ पर इमोशंस तो भर भर के दिख रहे हैं और आपके पार्टनर की बात करी जाए तो इनका एक ऐसा सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि जो बैलेंस था इनके जिंदगी में जो एक ऐसे सिचुएशन थी जहां पर ये पार्टनर अब बैलेंस में दिख रहे हैं मुझे लेकिन बैलेंस से पहले इनकी जिंदगी में कुछ ऐसे थॉट चल रहे थे कुछ ऐसी बातें चल रही थी जहां पर तूफान मचा था एक ऐसा तूफान जिसके अंदर ये पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे थे बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे थे बहुत ज्यादा फाइट रही थी या फिर कुछ तो ऐसा चल रहा था जहां ये कुछ समझ नहीं पा रहे थे न्यू बिगनिंग वाली एक शुरुआत दिख रही है नई शुरुआत आपके पार्टनर जो है करेंगे एक्शन लेंगे डियर और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि मैसेज भी आपको आने वाला है तो डियर ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज जो आपको लेकर बहुत सारे डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स है ये चीज मुझे दिखाई दे रही है नो no कांटेक्ट है तो कांटेक्ट करेंगे ओके okay, डियर जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है बहुत सारा प्यार मिल रहा है मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं और आपको थर्ड पार्टी डेली अपडेट बहुत अच्छा लगता है डियर बहुत जल्द इस पर भी मैं वीडियो ले आऊंगी लेकिन अभी हमने करंट फीलिंग देखी है आपके पार्टनर जो लोग करंट फीलिंग्स देखना चाहते थे अपने पार्टनर के इमोशंस देखना चाहते थे आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब इस रीडिंग में मिल जाएंगे ओके okay, डियर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे